राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्य का अभी तक मानदेय न मिलने के कारण कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। जब संगठन के पदाधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि आशा उषा कार्यकर्ता एक मामूली वेतन पर कार्य करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। इसके बावजूद भी उन्हें उनका मानदेय अभी तक नहीं मिला। अधिकारियों के द्वारा बजट न होने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है, इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मानदेय की मांग की है। ये जारी की गई थी 1,000 रुपये आशाओं के लिए और 500 रुपये आशा पर्यवेक्षक के लिए, वो जारी रखी जाए और जब तक हमें यह राशि वापस देना शुरू नहीं किया जाता है तब तक हम लोग COVID-19 संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ना कोई सर्वे देंगे हम किसी को भी, ना ही कोई जानकारी देंगे, ना ही वैक्सीनेशन में कोई सहयोग करेंगे। तो राशि बढ़ाने का जो आश्वासन शासन ने दिया था वो राशि इनको प्रदान नहीं की गई, जबकि इन्होंने पूरी तत्परता से पूरी जागरूकता के साथ कोविड में कार्य किया है, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। निश्चित रूप से इनकी जो मांग है, अभी मेरी माननीय विधायक जी से चर्चा हुई है, माननीय विधायक जी ने बोला है कि जो भी आपकी मांगे हैं उनको निश्चित रूप से ऊपर विधानसभा स्तर तक उठाएंगे और जो भी आपकी मांगों के संबंध में विधायक जी से बन पड़ेगा वो सब आपके संबंध में करने के लिए तत्पर रहेंगे।